एग्जाम्पल देने का प्रतिपक्ष है, इसे इसे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या? अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि जो सदन में हुआ, जिस माननीय सदस्य ने माइक को तोड़ा, अरे भाई बोल रहे थे, उनको बोलने दीजिए, सुन लीजिए, आप उनको बोलने दीजिए, आप नेता प्रतिपक्ष है, आपके बात तो का बहुत जबरदस्त वजन है, उनको बोलने दीजिए। हम तो थे नहीं, लेकिन अभी कार्य मंत्रणा की बैठक में वीडियो भी चला और हम सब लोगों ने देखा, और सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। ये किसी को बताने और समझाने की आवश्यकता एकदम नहीं है, और स्वाभाविक है कि नेता प्रतिपक्ष का भी स्वभाव वैसे ही है, तो पक्ष तो लेंगे ही उनका, तो स्वभाव तो इनका वही है जो उनका रहा है, हो सकता है उससे बड़ा है होगा। आप बोले दीजिए ना, आप देखिए, अरे बैठिए, माननीय अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री, हमारा ये कहना है कि जब शांति बनाए रखें, जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने बातें रखी विस्तार से, इन्होंने पूछा, जब अनुरूप सप्लीमेंट्री पूछने का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार से ज्यादा चाहते थे, लेकिन इस बात को किसी ने मना नहीं किया कि सप्लीमेंट्री जो है पूछने का मौका नहीं मिला, यानी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। मुझे तीन बार सप्लीमेंट्री पूछा गया तो मायके पे ना पूछने का मौका मिला, मायके पे ना मिला। तो नेता विरोधी दल आप पे इनडायरेक्टली आसन पे आरोप लगा रहे हैं कि मौका नहीं मिलता है, बंद कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। यही सदन में हम सब लोग गवाह हैं महोदय, इनके झूठ का हम सब लोग गवाह हैं। चाहे तमिलनाडु वाली जो घटना हुई उस पे ये माफी नहीं मांगे अध्यक्ष, सुन तो लो, अरे आप बोले, आप तो सुन तो लीजिए, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा, बैठा जा, चलिए असत्य, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। इनका जो असत्य है पहले भी हम लोगों ने सुना है, देखा है, चाहे शहीद के पिता वाली मामले में माफी नहीं मांगे, गलत आरोप लगाया गया, तमिलनाडु वाले में क्या हुआ, फेक वीडियो वाले में, ये इन्होंने माफी नहीं मांगा, टेबल पटक रहे हैं, कुर्सी उठा रहे हैं, लेकिन मान ही नहीं रहे कि ये अशोभनीय काम किया है इन्होंने। माइक का एग्जांपल देने का प्रतिपक्ष है, इसे खोल दिया गया। ये ऑपरेटर है क्या? और यहाँ के लिखा है कि माइक को ऐसे करे से चालू हो जाए, क्या कर रहे थे भाई आप, क्या कर रहे थे, अरे आप कर क्या रहे थे? और ये हम तो दिखाएंगे नहीं, जो वीडियो आपने दिखा, ऐसे अपने लास्ट में ऐसे, हाँ, ये इन लोगों का व्यवहार है और चरित्र है जिसको आज पूरे बिहार की और देश की जनता ने देखा। और माफी मांगने के बजाय ऊपर से सीना जोरी, चोर जो है कोतवाले को डांट रहे हैं, तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमको कोई उम्मीद नहीं है कि इनको थोड़ी सी भी शर्म है कि ये माफी मांग दे। हम इतना आसन से कहना चाहते हैं कि आसन का जो निर्णय होगा हम सब लोग आपके साथ। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।